लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खाने के टाइम फोन पर क्या कर रहा है? खाना क्या हो गया है तुझे? नहीं कुछ नहीं माँ। माँ कल सुबह मुझे शहर जाना है, मेरा ड्रेस निकाल कर रखना। आते ही जाने की बात क्यों कर रहा है? पहले आता था तो एक हफ्ते रुक कर जाता था, अब इतनी जल्दी क्या है? उसके लिए नहीं माँ, वहाँ काम बहुत ज्यादा है ना। क्या गिरीश, दो दिन रुक कर जाना, अभी जाएगा तो पता नहीं कब आएगा। ठीक है ठीक है, रुकता हूँ, तू पहले खाना निकल ले। पता नहीं कब ये बनकर पूरा होगा। अभी पूरा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ए, क्या कर रहे हो यहाँ पर? सोने का टाइम हो गया है। मैं जरा इसे बना रहा हूँ माँ। क्या है ये? तू इसे बांध कर चला तो गया, पर आने जाने वाले सब मुझसे पूछते हैं कि ये क्या है क्या है, बता देना क्या है। अरे ये हवा वाली मशीन है माँ। क्या मुसीबत है, अगर ऐसे ही करता रहेगा तो एक दिन सारा गांव तुझे पागल कहेगा, समझ गया? हाँ? अरे गांव वाले चाहे कुछ भी बोले माँ, उनसे हमारा भला क्या लेना देना है। बहुत ज्यादा बोलने लग गया है आजकल। माँ आप अंदर जाओ ना, तू बना चल। जो करना है करो, मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूँ। माँ बारिश आने वाली है, सब उठाकर अंदर रख दो। क्या कहा, बारिश? ये लड़का सच में पागल हो गया है। चलो सब हो गया, सिर्फ ये बल्ब लगाना है। हाँ? पंखा घूमेगा तो बल्ब जलेगा। ठीक है ये सब लेकर आ जाओ। हाँ? अंदर। तो आप लोग सुन रहे हैं 92.3 FM और अब वक्त हो गया है आपके मन पसंद गाने सुनने का, तो हमें कॉल कीजिए और अपने मन पसंद गाने सुनिए। अरे दीदी आओ ना। मैं नहीं। अरे दीदी आओ ना, मैं बोल रहा हूँ आओ। ए, आओ। अरे बारिश में मत भीगो, तबीयत खराब हो जाएगी, अंदर जाओ। तुम भी चलो अंदर। आओ तो। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ मुझे। अरे ए, पागल हो गया है क्या? अरे छोड़ ना। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त कवरेज क्षेत्र से बाहर है। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त कवरेज क्षेत्र से बाहर है।
बदतमीज कहीं का। हेलो, आई लव यू बेबी। अरे सोच क्या रहे हैं, खाइए ना खाइए। हाँ बेबी बोलो। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। रोते नहीं है बेटा, इसे पकड़ो जरा। क्या किसने मारा हमारी गुड़िया को? मुझे तो मुझे तो मम्मी ने मारा। क्या मम्मी को मारो? देखो मार दिया, मार दिया। वो देखो वहाँ, देखो वो देखो कितना प्यारा है, देखो वहाँ। ओ नहीं 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 नहीं। कौन सा केबल है? लाइन केबल है क्या? नहीं नहीं भाई, देखिए भाई टुकड़ा केबल है। कोई भी केबल होगा, थोड़ा देख कर केबल लेना। ठीक है, चोरी का केबल है, ऐसा वैसा बोलकर पुलिस बहुत परेशान करेगी। तू अभी तक शराब लेने नहीं गया? गिरीश गया भाई, टाइम पर तो आ जाएगा ना। हाँ आ जाएगा। पार्टी है भाई, शराब बहुत जरूरी है। हाँ, वो भी मिलिट्री वाली चाहिए। जी तेरे लिए शराब जरूरी है, मैं नहीं हूँ क्या? जन्म देने वाली को कभी एक साड़ी भी खरीद कर दी? पता नहीं कब सुधरेगा ये। तुझे तब सुधारना था ना, वो तेरी गलती है। 35 साल के बाद मैं सुधर कर क्या करूँगा? सिर्फ 35 साल ही हुए, फिर कितने साल पहले जन्म दिया था? अपनी माँ के सामने ही झूठ बोल रहा है। तू ही सबको बता देगी क्या? अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो इस शहर में आके मैं 5 दुकानें डाल सकता था क्या? ए मारी, माइक को सेट करने के लिए बोल दिया ना? हाँ बोल दिया भाई। क्यों रे, पार्टी बोले तो बिना शराब के होगी क्या? पक्का होगा। आ जाइए आ जाइए, शाम को आ जाइए और लड़कों को साथ में बुला लीजिए। क्यों रे, शराब को ले आए क्या? भाई वो बात ये है कि क्या हुआ बे? दरअसल वो बोतल टूट गई भाई। क्या, एक बोतल नहीं संभाल सकता? अरे अरे अकल नहीं है क्या तुझे? 3000 की शराब थी, किस तरह टूट गई? भाई एक लड़की साइकिल चला कर आ रही थी और मेरे साइकिल को टक्कर मार दी। ए लड़की लड़की, मैं कुछ नहीं जानता, शराब चाहिए मुझे। भाई महीने के पगार से काटते चले जाना। ऐसा कहने से काम चलता है क्या? पगार से पैसे काट लूं? मिलिट्री की कहती है क्या? अगर खाने में कंजूसी करोगे तो शरीर को नहीं लगेगा, जो खाओगे पियोगे वही शरीर को लगेगा। जीवन एक ही मिला है, खाओ पियो ऐश करो। सॉरी गिरीश, गुस्से में हाथ उठा दिया। ठीक है, दीदी के आने का टाइम हो गया है, तू लेकर आ जाएगा क्या? हाँ ठीक है। दिल में कुछ मत रखना। ठीक है चल जा। ए कौन सी लड़की थी बे, कैसी थी बता ना। अबे छोड़ना, छीले हुए पपीते की जैसी लग रही थी। हाँ। जैसा फिल्म में होता है वैसे लिपट कर गिरे थे क्या बे? ए मारी, जरा पानी दे बेटा। लाता हूँ दादी। दादी पानी मांग रही है, जाना जाके दे दे। ए मैं तो अभी तेरा खून करता, सच बता ना। क्यों भाई, किस किया क्या उसने? अबे हाँ ऐसा यार। क्या ए बहुत मजा आया होगा ना? वही तो ऊपर गिरी थी। ए भाई किसमिस हुआ क्या? ए मारी थोड़ा पानी दे दे बेटा, कितनी बार बोलो तुझे। हाँ मांग रही है, जाके दे देना तू भी ना। बुढ़िया मैं तेरा खून ही कर दूंगा। ए बताना उसके साथ किस किस किया क्या? अरे वो तो होगा ही ना। मजा आया क्या? अरे मजा तो बहुत आया। बहुत मजा आया क्या? बताना।
एक तो मैं बोतल टूट गई उस बात से परेशान हूँ और तुम लोगों को किसकी पड़ी है? चले गाल, जाओ ना यहाँ से। कैसे हो शिवनारायण? हाय, आप कैसे हो? होटल में खाना खाने आया हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अपना आदमी नहीं दिख रहा है। ये क्यों हमारे सामने आ रहा है? कैसा दिन आ गया, बोलो तो मैं सप्लाई कर देता हूँ। ए जाना यार, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। तेरी वाली आज छुट्टी पे है, उसके लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं। बिना मार खाए नहीं जाएगा क्या? चल जा। जाना। हाय हाय। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या चाहिए? कमिंग संडे माई बर्थडे। वाओ, मेरी मोर हैप्पी बर्थडे। बस 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 बस। यहाँ पर बधाई दोगी तो नहीं चलेगा, सीधे आकर वहाँ बधाई दीजिएगा। उसके साथ ही मेरी पांचवी भंगार की दुकान की ओपनिंग भी है। मैं जरूर आऊंगी। ओके ओके, विद केक के साथ। ओके, बाकी का बैलेंस तुम ही रख लो। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी क्या चाहिए? तुम चाहिए। क्या कहा? ऑलवेज योर चॉइस, ऐसा बोलना चाहता था। ये एक मुसीबत। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? मैं साइन में हूँ। हाँ, क्या कहा? नहीं नहीं, मैं वो दुकान का कार्ड छपवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, गिरीश तुम्हारे साथ में है क्या? हाँ है। कब आ रहे हैं? अभी नहीं, सुबह बर्गर, दोपहर को पिज्जा और नाइट को पास्ता ही खाता हूँ। मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हैं? घर आओ तब बताती हूँ तुम्हें। चर्बी चढ़ गई है। जूस बहुत ठंडा है। हाँ जी ठंडा है। अगर ये तेरे जैसा ठंडा होगा तो मुझे बहुत पसंद है। तुम भी साथ में थोड़ा पियोगी? नो 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 नो। किसका कॉल होगा? हेलो, कौन है? क्या कौन है? डायरेक्टर मणि रत्नम। अरे सर, आप पर मुझे एक्टिंग नहीं आती है सर। अब आप बुला ही रहे हैं तो मैं आपको सोचकर बताती हूँ। आपको रुकना होगा, दो दिन वेट करना होगा। ओके ना? अरे छी, सड़ा हुआ बैंगन। एक्टिंग करने वाली का चेहरा देखो, जो बोतल फोड़ी है उसका पैसा कहाँ है? अरे ये क्या कर दिया? कहाँ चली गई? अरे तुमसे कह रहा हूँ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अरे क्या झूठ बोल रही हो, कैसे आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो, टूटी हुई बोतल के पैसे दे दो। हेलो, जान बची। अरे फिर से वही फोन कर रहा है, इसका नंबर सेव करके रखती हूँ। शाउटी 124 और ये एक। ए गिरीश। हाँ भाई। इधर आ, ये ले, लॉन्ड्री की दुकान पे जा, कपड़े लेकर क्या। हाँ ठीक है। ए हाँ, मैं कब से देख रहा हूँ तू फोन पर ही लगा हुआ है। नहीं भाई, वो कौन सी दुकान है तुझे पता है? यही बाजू में है वही दुकान। वो तो टाइम पर देता ही नहीं है। हाँ। तीसरी मोड़ पर मंदिर की गली में अपने गांव वाले ने दुकान डाली है। हाँ। वहां जाना, मेरा नाम बोलना, वो तुझे दे देगा। जा जल्दी आना। ठीक है। हाँ क्या चल रहा है? काम होने दो यार, एक साल हो गया ना। हाँ हाँ ठीक है फिर भाई। हाँ इधर इस्त्री की दुकान कहाँ है? सीधे जाके लेफ्ट ले लो। थैंक यू। हाँ थैंक यू। इतनी अंदर दुकान। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था। हाँ हाँ, कब दोगी? मैं जल्दी ही दे दूंगी। देती हूँ बोलती हो, बहुत दिन हो गया है। अभी एक हफ्ते में पैसे आ जाएंगे, मैं दे दूंगी सेठ जी। इस बार पक्का दे दूंगी ना, नखरा तो नहीं करूंगी। हाँ हाँ पक्का दे दूंगी सेठ जी। ठीक है दीदी, भंगार वाले शिवनारायण जी ने कपड़ा लेने के लिए भेजा है। कौन? वो गोल मटोल नाटा सा? दीदी जरा रुको। हाँ। दिव्या, वो सफेद थैली लेकर आना जरा। हाँ? ये तो यहाँ भी पहुंच गया। ये यहाँ रहती है क्या? ए, तेरा दिमाग खराब है क्या? खाना तो टाइम पर खाती हो ना, फोन किया तो उठा नहीं सकती हो? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे जरा पूछो इस पागल से, 3000 की बोतल तोड़ दी और मेरा फोन नहीं उठाती। ए, कहां कर क्या बात कर रहा है तू? जानता मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है? रुक रही है जरा यहां बैठ। ए लड़की देख, मुझे बोतल के कल ही पैसे चाहिए, वरना बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा करूंगा। क्या बात है बेटा, क्या हुआ?
ये क्या करके आई तू? हाँ क्या है? कितनी बार मना किया है, साइकिल मत निकाल, साइकिल मत निकाल, सुनती नहीं है ना ये? घर को नर्क कर रखा है। एक लड़की के प्यार में एक लड़का पागल हो गया। वो उस लड़की को इतना चाहता था कि उसके बिना वो रह नहीं पा रहा था। लेकिन लड़की ने साफ-साफ कह दिया कि वो एक भिखारी से प्यार कर सकती है, लेकिन तुमसे। जब देख मनोहर कहानियां पढ़ता रहता है। अरे सुन ना भाई, वो बोतल जिसने तोड़ी थी ना, वो लड़की आज मिली थी। लेकिन ऐसा क्यों? अरे वो अपनी नई स्त्री वाली है ना, उसी की बेटी है वो। बोल दिया क्या? फोन लगाए तो उठाती नहीं है। उसकी माँ के सामने अच्छे से सुना दिया उसको। सही बात है। अब तक तो पिघल के वो नूडल्स बन गई होगी पक्का। उसके घर के बाहर ही अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। उस जगह का पता कैसे लगाया? वही है क्या जिसने शराब की बोतल तोड़ी थी? क्यों यार, तूने तो बोलो उसे धमका क्या है, लेकिन वो तुझे ही धमका के जा रही है। ये ले यार, बेचारी रोते हुए जा रही है, जाके मनाना। ये लो, गलत मत समझना, तुम फोन नहीं उठा रही थी तो उसी गुस्से में तुम्हारी माँ को बता दिया, लेकिन बाद में सोचकर मुझे भी बुरा लगा। ये सारे पैसे तुम ही रख लो। और तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से भीख देने वाले? प्लीज रुक जाओ। ए, उस दिन पैसे नहीं थे बोल रही थी, तो अभी कैसे? एक सड़क छाप के साथ? छी, कभी नहीं। ए, अभी तक चाइना पीक नहीं आई। चलो कोई बात नहीं। स्वामी आप लीजिए, काटिए इसे। आइए आइए आइए। स्वामी दुकान कैसी लगी? बहुत बढ़िया। सुनिए केक आया जी। ऑन द वे। क्या कहा? आ रहा है, कहा मैंने। पहले तो कुछ और कहा था। वो इंग्लिश है, तुम समझ नहीं पाओगी। ज्यादा समझदार हो गए हो, वहाँ गांव में तो भैंस चराते थे और यहाँ तो होशियार बन रहे हो। मोर डालूंगी। नमस्ते जी। आइए। नमस्कार। सुनो ये लोग कौन है? यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबकी दाढ़ी है। इन लोगों को तुमने बुलाया है क्या? थोड़े दिन पहले बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो गया था ना, तभी मैं गांजा पीने चला गया। क्या कहा? गांजा पीने? अरे गांजा पिया था ना मैंने, तो इन लोगों ने मुझे सुधारा था। ये लोग तो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते, तो तुम्हारा क्या रखेंगे? अरे ये लोग नहीं, वो जो बैठे ना स्वामी जी, उन्होंने सुधारा है मुझे। आशीर्वाद दीजिए। तुम कहाँ जा रही हो? आशीर्वाद लेने के लिए जी। वहाँ जाकर आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं से आशीर्वाद ले लो। वो आदमी सही नहीं है। आयुष्मान भव, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। भाई केक आ गया। केक? Thank you, Mary Jan. You're so sweet. Okay, Mary Jan. ये इनको juice दो यार. Thank you. अभी आती हूँ मैं. आओ. अरे स्वामी जी. उठाओ ना darling. Thank you so much. No mention. Oh my God. कौन है ये सफेद कौवा? थप्पो. तुमने उसे अपनी जाल में फंसा लिया क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं फंसाया, वो केक बना कर लाई है, वो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है? दिखने में तो बिल्कुल दूध की हड्डी जैसी लग रही है, और तुम काली कढ़ाई, आखिर तुम दोनों में दोस्ती हुई कैसे? ऐसे ही फ्रेंडशिप हो गई। चलो अंदर बताता हूँ ना मुझे। चलो मुझे दे।
तुम्हें तो घर में सबक सिखाती हूँ। Happy birthday to you, happy birthday to you. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटल वुमेन, टुडे इवनिंग मेरी बर्थडे पार्टी की शुरुआत होने वाली पार्टी की बात पर। ए, ये कौन सा फालतू गाना गा रहे हो? एक डूब जा। ठीक से देख कर रोकिए ना, चलिए। गिरीश, हाँ भाई, दूसरे नंबर की दुकान से पेटी वगैरह आ गई है क्या? हाँ आ गई भाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आजा 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 जा बेटी। दादी, खाना खाया तूने? हाँ, और आपके लिए भी खाना लाई हूँ। अच्छा, मेरे लिए खाना लाई है? किसने बनाया खाना? मम्मी ने। क्यों माँ, सुबह सुबह उससे झगड़ा करके यहाँ पर आ बैठी हो? तुम्हारा भी खाना साथ में लेकर के आया हूँ, खा लेना। अरे नहीं, मुझे खाना वाना नहीं चाहिए। इस बच्ची के लिए कपड़ा वपड़ा लिया कि नहीं? अभी नहीं, अगले महीने छुट्टी में वो बुढ़िया के घर पे जा रही है, इसका मामा उसे लेकर देगा। अरे वो कौन सा दानवीर करने है जो इसे लेके दे देगा? उसके घर जाओ तो पानी भी नहीं पूछते वहाँ भेज रहा है इस बच्ची को। खाने के लाले पड़ जाते हैं उस घर में तो। अगर तूने मेरी बच्ची को उधर भेजा ना तो इतना मारूंगी कि झाड़ू भी टूट जाएगी। हाँ। हो गया सत्यानाश। देखिए, मेरे घर और खानदान के बारे में अगर कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। कहूंगी, बेशक कहूंगी। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? हाँ, ऐसे खानदान से आई है जिसने नाक की नथनी तक नहीं दी है और बोलती है मैं कुछ बोलूंगी ना। क्या कहा आपने? ए, चुपचाप खाना निकाल कर दो। जी। ये आप देखो, बड़बड़ करती रहती है। ये अंदर जो फोटो लगाई है वो किसने बनाई है? मैंने बनाई है दीदी। तुमने अपने मम्मी पापा की फोटो बनाई है क्या? हाँ दीदी। अच्छी है, मेरी भी एक फोटो बनाओगी क्या? हाँ, बना दूंगा दीदी। हाँ हाँ, बना कर दुकान के सामने लगा देना, काली गुड़िया लटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे माँ, फिर से शुरू हो गई क्या? चुपचाप नहीं बैठ सकती हो क्या? दीदी थोड़ा सा नजदीक बैठो। हाँ उतना नहीं, थोड़ा सा। बस बस ओके। क्यों गिरीश, बन गया क्या? भाई भाई, भाई बस एक मिनट, थोड़ा सा थोड़ा आराम से बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। जल्दी कर, फोन आ रहा है। हाँ हो गया भाई। हाँ, लड़की को पकड़ो। दीदी आइए ना। ए, चल 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 चल। ये लो। बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। थैंक्स दीदी। देखो तो अच्छी है ना। हेलो। हाय 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 डार्लिंग। कहाँ हो आप? मैं तो अपनी दुकान पर ही हूँ, तुम आ रही हो क्या? सुनो। हाँ, वेरी अर्जेंट। हाँ, देखने का बड़ा मन था। हाँ, मैं 10 मिनट में आ जाता हूँ। ओके। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, वो क्या है कि मेरे बीवी बच्चे गांव से आए हैं तो उन्हें बस पे चढ़ा के मैं जल्दी आ जाऊंगा सर। ओके सर। अगर तुम्हें बहुत अर्जेंट काम है तो जाओ, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ ठीक है। बेचारे मेरी वजह से गांव छोड़कर शहर में आकर तकलीफ उठा रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना। अब सुनो, पूरे एक साल के बाद कल हमने जो गाना बजाना किया उसमें सच में बहुत मजा आ गया। तुम्हें और माँ को इतना भला बुरा कहा, उस बात को दिल पर मत लगाना। तुम्हें इतना प्यार करती हूँ ना, इसीलिए इतना कुछ कह देती हूँ। जो भी हो, आखिर हूँ तो अनपढ़ ही ना, जो दिल में आए वो कह देती हूँ। तुम जाओ और अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। कंजूसी करोगे तो शरीर को कुछ नहीं लगेगा, खाओगे पियोगे वही शरीर को लगेगा। हाँ बोलिए सेठ। क्या हुआ, माल अभी तक क्यों नहीं आया? इतनी देर क्यों हो रही है? मैं बस अभी भेजता हूँ सेठ। जल्दी से भेज दो, समझे? ठीक है सेठ। गिरीश। हाँ भाई। अपनी 2 नंबर की दुकान से लोड नहीं गया है, उसे जल्दी से भिजवा दो। हाँ ठीक है भाई। मैं जाकर तेरी दीदी और बच्चों को कपड़े खरीद कर उन्हें गांव भेज देता हूँ। हाँ ठीक है भाई। टाटा बाय बाय सी यू। यार फिल्म बहुत मस्त थी यार। क्या यार, ये हॉर्न क्यों बजा रहा है? अरे साइड ले। पागल हो गया यार, ऐसे गाड़ी चला रहा है? क्या है यार ये, इतनी रात को गाड़ी में बैठ के कहां से आ रही है? ए, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने का। ए, कोई भी बात बिना देखे बिना जाने मत बोल।
चल। यार किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ए, बिना देखे बिना जाने कुछ भी मत बोल। देखा ना कितनी रात में ये गाड़ी से उतर के पता नहीं कहां से आ रही है यार, कैसे भरोसा करेंगे। दिव्या खाना खा लिया क्या? हाँ खाना खा लिया। यहाँ आना। सुन संभल कर करना। इस्त्री कर दो। हेलो तुमसे ही कह रहा हूँ शर्ट को इस्त्री कर दो। मैं खाली बैठी हूँ क्या? काम ही कर रही हूँ ना, थोड़ी देर रुक जाओ, टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? पहले ये करने दो। ओ ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कल रात को तुम गाड़ी से उतरी कहाँ जा कर आई थी? कहीं फंक्शन था क्या? अच्छा वहाँ खाना खाया क्या? क्या बकवास कर रहा है? इस्त्री मारते ही कपड़ों की तरह ये भी कड़क हो गई है, बहुत सख्त है। अच्छा एक बात बताऊँ, तुम जो इस्त्री करती हो ना वो इस्त्री कभी कपड़े से जल्दी उतरती नहीं। आउच। कितने हुए? अरे वो मुझसे क्यों पूछ रही हो, आओ जाकर आ जाओ। सिल्ली गर्ल। 20 रुपए हो गए। अच्छा 20 रुपए, मैं ही मिला था क्या? ये लो। छुट्टा नहीं है तो फिर कल ले लेना। ओके टाटा भाई। गुस्से वाली है। नंबर तो नया दिख रहा है। हेलो। अरे तेरी माँ बोल रही हूँ। हाँ बोलो माँ। हमेशा मैं ही फोन करूंगी, ऐसा जरूरी है क्या? ये किसका नंबर है माँ? हमारे पड़ोसी का नंबर है। आज तेरे पापा की बरसी है, याद है कि भूल गया? मुझे थोड़ा काम है माँ, कल सुबह निकल के आता हूँ ना। ठीक है दीदी कहाँ है? वो दुकान पर गई है, जल्दी निकल जाना बेटा। हाँ ठीक है माँ। ठीक है अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है माँ। हाँ ठीक है रखती हूँ। हाँ, रखो। ए, उठा के ऊपर डालना। और कर क्या रहूँ मैं ऊपर? क्यों रे हो गया क्या? तो आई थी, कहाँ चली गई? कोई भी नहीं दिख रहा है, गाड़ी तो यहीं खड़ी है। अंदर चल कर देखता हूँ। Yeah.
क्लीन स्वाम क्लीन स्वाम क्लीन स्वाम क्लीन क्लीन स्वाम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं तो? छोड़ो छोड़ो मुझे ये मेरा फ्रेंड है फ्रेंड वो भी इतनी रात में ये लो वो पहुंच लो क्या है जब देखो मेरा पीछा क्यों करते रहते हो प्यार करते हो क्या नहीं करते हाँ करता हूँ इस्त्री करवानी है लेट होगा कितनी देर लगेगी वो पता नहीं फिर भी लेट होगा हाँ ऐसा क्या तो फिर मेरे मालिक का कपड़ा बना दो मेरे कपड़े मैं बाद में ले लूंगा थोड़ी देर में मैं दुकान बंद करने वाली हूँ तो अभी लेकर जाओ हाँ क्यों हाँ हमारे घर का मच्छर प्रेग्नेंट है तो उसी का फंक्शन है क्या कहा मच्छर का फंक्शन हाँ जी ये तो तुम गुड़िया की कहानी बता रही हो हाँ बोल बे कमीने अच्छा आज शाम को मैं बाहर जा रहा हूँ तो कब आऊंगा बोल नहीं सकता अरे यार यहाँ पर मैं किसी को देखने के लिए आया हूँ लेकिन वो भाव ही नहीं दे रहा है अगर मैं स्त्री वाला कपड़ा पहनू ना तो निहायत ही खूबसूरत लगता हूँ लड़कियों की तो लाइन लग जाती है मेरे पीछे लेकिन यार वो पसंद नहीं करती है मैं जिसे पसंद करता हूँ अगर वो पागल भी हो ना तो भी मैं उसी के साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ अच्छा इस बारे में तेरा क्या ख्याल है जरा सोच समझ के बताना किसी का फोन नहीं आया है फिर भी क्या बकवास कर रहे हो अरे यार पकड़ा गया ये सारे आइडियाज बहुत पुराने हो गए अच्छा सुन फोन पे आवाज बराबर नहीं आ रही है लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है तुम्हें अंडरवेयर पहनने की आदत है क्या अरे हटकर खड़े रहो चटका लग जाएगा ऐसा क्यों पूछा तुमने नहीं अगर पहना ना हो तो तुम्हारा मजाक बन जाएगा किसके सामने सबके सामने वहाँ अंदर एक पैंट रखी है जाओ और जाकर ले लो अंदर तुम्हारी माँ कौन माँ किसकी माँ मैंने कहा ना अंदर जाके ले लो चलो अब जल्दी से जाओ अंदर कोई नहीं है अरे कहाँ है मिल नहीं रहा है हाँ अंदर ही है ढूंढ लो अच्छे से ढूंढा मिल नहीं रहा है नहीं मिल रहा ऐसा कैसे सच में नहीं है अरे तुम्हें अंदर आने की क्या जरूरत है अगर किसी ने देख लिया तो गलत सोचेगा कपड़े कहाँ हैं वो बात ये है कि बाहर ही है बाहर ही है ये क्या ये लड़की कहाँ चली गई बाप रे माँ आ गई कहाँ चली गई अब क्या करेंगे आवाज भी नहीं दे रही है दिव्या क्या करें समझ में नहीं आ रहा क्या करूं दुकान को ऐसे छोड़ के अंदर क्या कर रही थी अब अंदर पानी पीने गई थी ये साइकिल किसकी है वो भंगार वाला है ना उसकी है तो वो गया कहाँ वो छुट्टा लेने गया है तेरा बाप कहाँ है सुबह सुबह पीने चला गया क्या चेहरे से कुछ गड़बड़ लग रही है भगवान अब क्या होगा ये आदमी भी आ गया पता नहीं अब मैं इसे कैसे समझाऊंगी हाँ।
जाके फोन करता हूँ। पहुँच कर फोन कर लेना। पंद्रह सौ तक का चलेगा ना? आइए सर। भाई एक सस्ता वाला मोबाइल दिखाना। कितनी रेट तक चाहिए भाई? यही कोई 1000 से 1500। ये देखिए एक नया मॉडल है, देखिए। इसमें एफएम है क्या? है ना जी। और फिर मेमोरी कार्ड है? हाँ है। और फिर दीदी, हाँ? अरे 1500 में तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुम्हें ये मोबाइल का कलर तो पसंद है ना? भाई इसका यही रेट है क्या? हाँ हाँ वही रेट है। ठीक है दे दीजिए, ये लीजिए। ये लो भाई, थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें पसंद तो है ना? हाँ। अच्छा बाजू में मेरे दोस्त का एक दुकान है, वहां पर शाम को चलते हैं। हाँ ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मत आओ, 5 दिन के बाद आओगे तो भी चलेगा। हाँ। ये किसके साथ बात कर रहे हैं? दूध वाले के साथ क्या? गुरुजी पिछला हफ्ता बहुत बढ़िया था, अभी एक और आदमी आ गया लगता है। बोलिए गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव, गुरुदेव जिद्दत कीजिए, बोलिए बोलिए ना भैया, बात तो सुनिए। लीजिए भैया, किसके साथ बात कर रहे थे? वो क्या है ना, गुरु शुक्र शनि इन सब से बात करने का मन था तो उन्हीं से बात कर रहा था। चल ठीक है, वो सब छोड़, बच्चे कहाँ चले गए? बोलकर गए थे शहर जाकर आ रहे हैं। हाँ। अब तक आए नहीं। हाँ। इसमें बहुत से नए गाने हैं ना? लगता है आ गए। माँ गाना सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ। मामा जी तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ मामा जी ठीक है, आप कैसे? तो अच्छा। इतनी देर क्यों हो गई तुम दोनों को? अरे मोबाइल लेने के लिए गए थे दीदी के लिए। अब ये सब चीजें किस लिए? तेरी दीदी के लिए दूल्हा देख कर आए हैं मामा, और तू इसे ऐसे घुमा रहा है। क्या कहा, दीदी की शादी? हाँ तो दीदी, अरे देख कैसे शर्मा गई है। ये बता अपनी दीदी की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे कि नहीं? चुपचाप क्यों खड़ा है ये बता, तू शहर में काम कर रहा है और गए इतने दिन हो गए तो कोई लड़की सेट की कि नहीं? आप भी ना। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था अपने राज्य की लड़की के साथ दूसरे राज्य के लड़के से शादी करवा दें, तो तू क्या बोलता है? मामा इसके बारे में आप फिक्र मत कीजिए, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। हाँ मामला बहुत आगे तक बढ़ गया। भैया मामा को मत बताना। ये रही फोटो। ये तो नयनतारा जैसी दिख रही है। हाँ? नहीं नहीं, ऐश्वर्या राय से कम नहीं है। वो कौन है? नयनतारा की बहन है। उसकी शादी हो गई क्या? हाँ हाँ बच्चन के साथ हुई है। चूक गए रे। अच्छा सुन शारदा, तेरी बेटी बहुत मजाकिया तरीके से बात कर रही है, लड़के वाले आए तो उनसे भी ऐसी बात करने को कहना, ठीक है? अच्छा सुन, तूने खुद के लिए ही लड़की ढूंढ लिया ना? वैसे अच्छा काम किया, तेरी उम्र में मैंने भी ऐसे ही प्यार किया था। हाँ। लेकिन वो छोड़ कर चली गई, उसके लिए मैं फिक्र नहीं करता, वो सब तो मेरी तकदीर की बात है। हमें जो मिलती है हमें उसके ऊपर जान लुटा देनी चाहिए, और याद रख उसके लिए जायदाद वायदाद की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ? हाँ। क्या जो बोल रहा हूँ समझ में आया? हाँ, समझ गया। हाँ? चल ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। मिलते हैं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। क्या हमेशा स्विच ऑफ ही रहता है, फोन चालू करती नहीं है। हे, क्या कर रही है? गाना सुन रही हूँ। 4 दिन में लड़के वाले देखने आने वाले हैं और तू घर में बैठे बैठे गाना सुन रही है। छोटे मोटे घर के काम करने सीख ले, वरना ससुराल वाले मुझे ही ताने मारेंगे। गाना तो अच्छा गा लेती है। अरे तुलसी, हाँ तुलसी क्या हुआ तुझे? क्या हुआ, क्या हो गया?
मेरी बच्ची। अरे हे भगवान, क्या हुआ? अरे कोई है, जरा मेरी मदद कर दो। देखो मेरी बेटी को क्या हो गया। अरे कोई है, अरे कोई देखो। तुलसी क्या हुआ? हे भगवान कौन? इस तरह बेटा, थोड़ा और घूमो। दुख रहा है क्या बेटी? ये दवा एक हफ्ते तक खिलाइए, इसे दर्द कम हो जाएगा। समझ गया ना? ठीक है, किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजता हूँ। तब तक सर के ऊपर पानी मत डालना, अंदर जाकर कान पे बैंडेज लगवा। ठीक है दीदी। तुझे कुछ नहीं होगा दीदी, लेकर जाओ इसे। ओके डॉक्टर, चलो आइए मैडम। थैंक यू डॉक्टर। संभल कर। डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो इसके कान ठीक हो जाएंगे ना? मोबाइल फटने की वजह से कान के पर्दे को बहुत नुकसान पहुंचा है। मोबाइल चार्ज में लगाकर कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। ये बातें बार बार सभी लोग बताते रहते हैं ना, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है। चिंता मत कीजिए, जाइए। पता नहीं कैसा नसीब लेकर आई हूँ। जिसका हाथ पकड़ा था वो भी छोड़कर चला गया, और जिसे जन्म दिया वो भी ऐसा निकला। पता नहीं किस पाप की सजा भुगत रही हूँ, और अब बेटी भी ये हाल करके बैठी है। पता नहीं अब इसकी शादी कैसे होगी। माँ, क्यों ऐसी गलत बातें बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चुप रहो माँ। क्या कहा? मैं गलत बोल रही हूँ? ए सुन, चार दिन में लड़के वाले इसे देखने आने वाले हैं, और ये दोनों कानों में पट्टी बांध कर बैठी है। जब वो पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं? ये सब दूल्हे के घर वालों को बता देंगे, वो सब समझ जाएंगे। तुम चुप रहो जरा। ये ले, दे उसे। दीदी, दीदी, ये लो। संभल कर, ध्यान से, बहुत गर्म है। कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, डॉक्टर ने कहा है ठीक हो जाएगी। थोड़ा रुको ना दीदी, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। बात करके देख, तुझे ये लड़की पसंद थी इसलिए मैं इस घर से रिश्ता बनाने आई थी, लेकिन अब वो सुन ही नहीं पा रही है। एक बहरी लड़की से शादी करनी है तुझे क्या? चल मेरे साथ। अरे एक अच्छी लड़की ढूंढ कर तेरी उससे शादी करवा दूंगी। जो सुन ही नहीं पा रही है वो बात क्या करेगी? मामा, मैं उनसे बात करके देख लूं जरा। अरे क्या कर रही है? गलती है, कहाँ से उठा कर ले आया था इस लड़की के लिए मोबाइल? जवान लड़की हमेशा घर में बैठा कर रखूंगी, अब कौन करेगा इस लड़की से शादी? बता, अब जवाब भी नहीं देता। इसे बोलकर क्या फायदा होगा? जो किस्मत में लिखा हुआ है ना वही होकर रहेगा। जाओ अपना काम करो, जाके जो बोल रहा हूँ वो सुनो, जाओ जाके काम करो। हेलो दिव्या, कहाँ हो तुम? मैं गांव में। कब आओगे? यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसे खत्म करके आता हूँ। क्यों? मैं भी वहाँ जाती हूँ, अपना एड्रेस बताओ मुझे। लेकिन तुम क्यों आ रही हो? तुम पहले बताओ तो सही। दिव्या बैटरी लो गई है, मैं घर जाकर चार्ज करके फोन करता हूँ तुमको। हेलो, हेलो। अरे क्या हुआ है पता नहीं। सारे कपड़े गीले हो गए, ये लड़का भी पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह तो अच्छी खासी धूप थी, पता नहीं ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई। मौसम का भी आजकल Oh,
शारदा, शुक्र ने बात करना शुरू कर दिया है। अभी एक दुल्हन और दूल्हे की बात करके आया हूँ। आते ही शुरू हो गए अब। हाँ। मामा जब देखो आप यही बातें करते रहते हो। अरे बेवकूफ लड़के, तेरी माँ की और तेरे बाप की शादी भी मैंने ही करवाई थी, समझा? उनसे तू पैदा हुआ और कल तेरी बहन की शादी भी मैं ही करवाऊंगा। अच्छा देख लेते हैं। देख लेना। अच्छा बाबा, अरे थोड़ा गर्म पानी ज्यादा डाल ताकि ये काले से गोरा बन जाए। आज मैंने तुम्हारी पसंद के खिलौने लाए हैं, तुम दोनों उनसे खेल लेना, ठीक है? अरे क्या हुआ गिरीश, एक हफ्ता बोलकर एक महीने के बाद आ रहा है, फोन भी स्विच ऑफ दिखा रहा है। दीदी को साथ में लाया शहर घुमाने के लिए? नहीं भाई, गांव में इसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था, इसलिए। अकेला क्यों छोड़ता, माँ है ना वहां पर। माँ गुजर गई भाई। तुम्हारी माँ गुजर गई? तू कैसा इंसान है रे, एक फोन नहीं कर सकता था? नहीं भाई, अचानक माँ के गुजर जाने से किसे क्या बताऊं क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुमने खाना खाया बेटी? ये सुन नहीं सकती भाई। क्यों, क्या हुआ? मोबाइल में गाना सुनते समय मोबाइल फटकर दोनों कान खराब हो गए इसके। क्या कह रहा है तू, कितनी छोटी उम्र है? छी, ठीक है तुम कहीं और मत रुको, चाहो तो मेरे घर पर। नहीं भाई, मैं यहीं पर ठहर जाता हूँ। क्या कह रहा है तू, ये लड़की है यहाँ कैसे रहेगी? भाई हाँ, अगर चाहिए तो मैं अपने घर में रख लेता हूँ, मेरे घर में सिर्फ मेरी माई तो रहती है। भाई मान जाना, भाई मैं यहीं पर ठहर जाता हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। छी, कैसी बात कर रहा है तू, मैं अभी भाई बहन के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। तुझे ठीक लग रहा है तो मुझे कोई समस्या नहीं, ठीक है जाओ अंदर जाओ, जाओ बेटी आ जाओ। इस उम्र में इतने नखरे। अपना गांव छोड़कर हम लोग यहाँ आए थे कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन पैसे कमाने के बजाय तुम तो सुबह सुबह यहाँ बैठकर बीड़ी पीने लगते हो। लीजिए, इसमें 3 शर्ट्स और 3 पैंट्स हैं। आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही है? क्यों, उसे ले जाने के लिए आया है क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अब तू सुन, यहाँ आकर कपड़े देने का और चुपचाप चले जाने का,
मेरी बेटी कहाँ है और क्या कर रही है, ये सब मुझसे नहीं पूछने का। तेरे मालिक की वजह से मैं चुप बैठी हूँ, पर दोबारा ऐसा हुआ तो भूल जाऊंगी। मैं चुपचाप चला जा यहाँ से। बात तो सुन। क्या? जब देखो जब टांग अड़ाती रहती। डर लग रहा है क्या? हे दीदी को हॉस्पिटल ले जाऊंगा बोला था। अरे नहीं यार, अभी अभी तो यहाँ पर आए हैं, अभी एक महीना और जाने दे, जैसे ही पगार मिलेगी तो उसे लेकर जाऊंगा। हाँ ठीक रहेगा, अच्छे से पकड़ो आराम से। दीदी स्विच ऑन करो। तुमने तो कमाल कर दिया यार, अच्छा लग रहा है ना। ये ले हम सबका पगार। अरे नहीं यार रहने दो, मुझे पगार मिलने के बाद मैं ले जाऊंगा। उसे दीदी कह के बुलाया ना, तो भाई का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना भाई। तुझमें और हम में आखिर क्या फर्क है यार, तुम दोनों की माँ एक है, बस इतना ही ना। ले रख ले। बहुत बहुत शुक्रिया यार। हेलो हेलो, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ कुछ सुनाई दे रहा है क्या? हेलो कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हेलो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। नस के नीचे चोट लगी है, ये लगा के देखते हैं। सुनाई दे रहा है? नहीं। ओके दूसरा देखता हूं, ये जरूर सुनाई देगा। ओके इट विल वर्क। सुनाई दे रहा है क्या? थोड़ा भी नहीं सुनाई दे रहा है क्या? कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। सुनाई दिया? हाँ दीदी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। पक्का सुनाई दे रहा है? सूरज या चांद? सूरज। सुपर। क्या बात, बहुत बढ़िया। चेतिया पट। पट। अभी मैं बोलता हूँ तुम सुनो। ये डॉक्टर है या भगवान? डॉक्टर। करेक्ट बोली, दे ताली। अच्छा और एक बात बताता हूँ। हाँ माँ या पापा? हाँ माँ या पापा। अब मैं तुम्हें बताऊं क्या, इसे मशीन से सुनाई दे रहा है। कितने लगेंगे डॉक्टर? ₹1,00,000। ₹1,00,000? आप दे दीजिए, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। हाँ थोड़ा थोड़ा करके। नेक्स्ट। ए गिरीश जाने दे, अगर सुनाई दे भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चल। डॉक्टर
क्या हुआ? मैं जहां बैठा था वहां ये मिला, किसका है ये पूछकर उन्हें लौटा देना। हेलो, हाँ कम, एक मिनट रुको, ये लो एक हफ्ते की दवा लिख दी है, इसको खाना उसके बाद आना। छोटे बैठना, यहाँ बैठो ना। हाँ बैठो। हेलो रिसेप्शन। हाँ मैं डॉक्टर रस्तोगी बोल रहा हूँ। यस टेल मी सर। एनीबॉडी लॉस ज्वेलरी? यस सर। हाँ तो उससे बात करके मेरे क्लिनिक पे भेज दो। ओके ओके सर। ओके भाई, मैं इसे ही तो ढूंढ रहा था, अगर ये मशीन में लग गया तो समझो काम हो गया। इसमें ये अरे बाप रे, क्या भाई ये आपने क्या कर दिया? उधर हाथ में सोना मिला और 10 पैसे भी नहीं लिए उससे, और यहाँ आकर ये सामान निकाल कर दिखा रहा है, पागल कहीं का। क्या भाई ये क्या कर दिया? नमस्ते शिव नारायण जी, नमस्ते। आइए साहब जी आइए। ए उसे देख लेगा, जल्दी से दरवाजा बंद कर दे, सामान भी बराबर लगा दे। मैंने बोला था ना ये अपने ही लोग हैं। आइए नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। लीजिए आप पीजिए ना। पियो पियो, तुम ही पियो, इसे फूंक करके पीजिए, पियोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा बोल रहा हूँ। बेटा पंचायत में मेरी इज्जत बचा ली तुमने, गुड बाय गुड बाय। बेटा कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ मैडम। दीदी कहाँ है? ये देखो दीदी, आओ ना। लिफाफा कहाँ है? लिफाफा है, ताली बजा ताली बजा। सेठ जी ये दूसरे राज्य का है, यहाँ करें यहाँ करें। ये बात है क्या? अरे ताली बजा ताली बजा ताली बजा ताली बजा ताली बजा। बेटा मैडम ने दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। गिरीश बेटा, आने वाली 1 तारीख को स्कूल में मेरा रिटायरमेंट फंक्शन है, उसमें तुझे भी पार्टिसिपेट करना होगा, तू वहाँ आएगा ना बेटा? ये सब मुझे किस लिए मैडम? नो नो नो, इट्स माई ड्यूटी। आप भी आएंगे ना इसके साथ? जरूर मैडम। अच्छा आप इतनी अच्छी हिंदी बोलोगे, आप जरूर उत्तर भारत की। नहीं नहीं, मैं एमपी यूनिवर्सिटी की हूँ। ओ ऐसा क्या, कौन सा साल? आप कौन से साल के हैं? नहीं खामोश हो जाओ, मैं कौन से साल में इस राज्य में आया ऐसा पूछा मैंने। वैसे आप बच्चों को संभाल कर अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड। अपना गांव ही ऐसा है। तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आने के दिन बैनर कटआउट आप लगाओगे या फिर मैं लगाऊंगा? क्या 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 पूछा तुमने अभी? ये फंक्शन मैंने रखा है इसके लिए, ऐसा देख रही मैडम। सुनो भाई, ताली बजाते बजाते तुमने 1000 रुपए अंदर कर लिए, मैंने देख लिया है। चलिए मैडम चलिए। ठीक है मैडम। ए देखो तो यहाँ पर सारे कपड़े अच्छे ही है ना। गिरीश ए गिरीश यहाँ। इस घर में कोई काम ठीक से नहीं हो सकता। लेटर बॉक्स में देख कोई लेटर आया है क्या? ठीक है मैडम, लेकर आती हूँ। लगता है यही घर होगा। अरे सुनो, विजय साहब का घर यही है। मम्मी। अरे बाप रे, भागो, दीदी भागो। है? छोटे। I know। हाँ। Come, take it। ये पकड़ो। Show me। ये लो मम्मी। अरे बाप रे वापस, अरे चलो भागो दीदी। हैं हाय हम
पुरानी बोतल लेने आया था विजय साहब के घर से। बाजू का घर है, चल जा। हाँ। जा जा। ठीक है साहब, चलो। हाँ। दीदी आओ। विनीता। लुक मॉम, आई हैव फिनिश्ड। विनीता कौन था वो? लुक डैड, आई हैव डन इट। ओ माय गॉड, सुपर। तुमने कर दिखाया आखिर। लेकिन तुम अभी तक डांस क्लास में नहीं गए बेटा। इस साल तुम्हें डांस क्लास में फर्स्ट आना होगा बेटा। हैं? श्योर डैड। वेरी गुड बॉय। अभी अभी तो यहीं रखा था, कहाँ गया? शो मी अगेन। ये लो। कहाँ रखा? मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा कहीं। हाँ, तुमने रखा था, तुम्हें नहीं पता है। जाओ ठीक से ढूंढो, मिल जाएगा। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या? हाँ। इनमें से ही कोई होगा, उतारो इन्हें। ए, चलो अंदर जाओ। ए, इधर आओ। चलो निकलो, चलो बाहर निकलो, जल्दी करना। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ मोबाइल? सब छोड़ दो सब। कहाँ रखा है मोबाइल? बोलेगा कि नहीं? बोल। कहाँ मोबाइल? सब मुझे नहीं पता। सर ये केस का बाप भी बताएगा। बताओ कहाँ रखा है मोबाइल? बताओ, बोल कहाँ रखा है? बोल बोल जल्दी। कहाँ है मोबाइल? बोल। हमने मोबाइल नहीं लिया मैडम, नहीं लिया मोबाइल। ऐसी बात है, बोल बोल कहाँ है? बोल बोल कहाँ है? बोल। सर बहुत गुस्से में लगे। अच्छे से मिला है मोबाइल? नहीं बता दो। बोल। नहीं सर। शीत। बोल। नहीं बोलेगा। दीदी। बताओ तो पड़ेगा तुझे। दीदी। बोल। दीदी भाई। बोल। उसे मारा तो दर्द तुझे हो रहा है? और मारो उसे। बोल। सीधे तरीके से बता दे कहाँ रखा है, वरना हमें मुंह खुलवा रहा है। रुकिए 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 रुकिए। चल अब सच सच बता कहाँ रखा है। सर वो सब बताएगा, लेकिन इसने किया क्या है? ये हमारे घर में आया था, मोबाइल चुरा कर भागा ये। सर ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। सर बोलने वाले। सर ये अपने जान पहचान वाले आदमी है। जब तक मेरा मोबाइल वापस नहीं मिलेगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सर इतनी बुरी तरह से मत मारिए, सर बेचारा मर जाएगा। मर दे तो इसे इस धरती पर रहने का कोई फायदा नहीं है। चल मर जा। सच सच बता दे, ये लोग तुझे लेने आया ना? अरे सर क्या जल्दी कर बता। अरे बेटा रुको मत, चल बोल। नमस्ते, मैं सिटी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर की वाइफ बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। सर कहाँ हैं? सर इंक्वायरी कर रहे हैं। सर को बोलना है मोबाइल मिल गया है। मोबाइल मिल गया क्या? सर तो यहाँ उसी मोबाइल के लिए दो लोगों की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। अरे उनको जल्दी बोलो मोबाइल मिल गया। ठीक है मैडम, मैं अभी जाके बताता हूँ। सर सर मोबाइल मिल गया सर, आपके घर में ही है। सर मैंने पहले ही कहा था ये ऐसा नहीं करेंगे, मैंने पहले ही कहा था। सर आपने ये ठीक नहीं किया। ठीक है दोनों को ले जाने के लिए बोलो। ओके सर, आपको इनसे पूछताछ करनी चाहिए थी। बिना वजह आप लोगों ने इनको इतना मारा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम जाओ जाओ, अभी कुछ हो जाता तो क्या होता। अरे अब जाओ ना, हो गया। आगे से ध्यान रखिएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। राशन मत दो मुझे ज्यादा, खाने में आकर सिखाने की जरूरत नहीं है समझे। वहां जाके किसी और को सिखा देख लेंगे हम। उनके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? अकल नहीं है क्या तुम्हारे पास? जितने सालों से काम कर रहे हो कब क्या बोलना चाहिए कुछ नहीं सीख पाए। बेवजह में लफड़ा हो जाता तो बेकार आदमी। सुबह हम अपने गांव चले जाएंगे। या फिर माँ के पास ही चले जाते हैं। कौन है ये? पता नहीं यार, क्या ये नमूना दिख रहा है? सही है। इधर आ। जी भाई। ये कौन है? पता नहीं भाई, यहाँ के ओनर से बात करनी है ऐसा बोल रहा था। अभी तक 5 सिगरेट 5 चाय पी चुका है भाई, ऊपर से तंबाकू भी मांग रहा है भाई। कौन होगा सर? आप कौन हैं? मैं? तुम कौन हो? मैं इस दुकान का ओनर हूँ सर। शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जेल से छूट के आया हो और खुद को ओनर बोलता है। हाँ सर।
सुन लिया क्या? हाँ ठीक है चलेगा, मेरी मेहरबानी से। अच्छा इस दुकान में कितने लोग काम करते हैं? 4-5 लोग काम करते हैं। अच्छा बताइए आप कौन है? ये BMW कार की चाबी है, इसे जरा संभाल के टेबल पे रखना। BMW कार की चाबी है? अरे बापे ये तो बहुत बड़ा आदमी होगा। ठीक है चलता हूँ। ए छोटे इधर सर, एक ग्रीन टी लेके आ, वो भी इलायची डाल के। ठीक है। क्या इलायची वाली चाय? जैसा सोचा वैसा नहीं है, मुझे थोड़ा होशियार रहना होगा। वाह क्या बात है, ये क्या दुकान की माप ले रहा है? वंडरफुल, वेरी नाइस कैरेक्टर यार। चाची तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवा के तुम्हें नैन तारा बना देता हूँ। हाँ थोड़ा खर्चा आएगा, वैसे तुम्हारे पर्स में कितने पैसे हैं? वेरी बैड ओल्ड लेडी, तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस है? उससे इनकी प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा। अच्छा तुम कौन हो ये बताए नहीं? ओह सॉरी बताना भूल गया, आई एम अ डायरेक्टर। तो तुम्हें यहाँ क्या काम है? मैं भंगार की दुकान के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, उसी के रिसर्च के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे ये दुकान बहुत अच्छी लगी, तो कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ रुक के पूरी तरह से रिसर्च करूंगा। मेरे यहाँ रुकने के लिए कोई एसी रूम है क्या? ओके मैं नॉन एसी में भी एडजस्ट कर लूंगा। वैसे मुझे रोज पगार कितनी दोगे? ए हटा इसको। बॉस ग्रीन टी को गर्म पीना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाती है। थैंक यू, मैं पी लेता हूँ। मेरे पास आकर नौटंकी दिखा रहे हो, चेहरे से पढ़े लिखे दिख रहे हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें। चुपचाप यहाँ से जाओ। ओके नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तुझे नहीं मुझे। एक्सक्यूज मी बॉस, 100 रुपए मिलेंगे क्या? किस लिए? वो क्या है कि मैंने अपने कच्चे को धोकर ऊपर सुखाया है, उसे प्रेस कराने के लिए चाहिए। ए, सच में मैं तेरी जान ले लूंगा, चल जा। ओके जाना, नो प्रॉब्लम। कार की चाबी है? मैं जानता था कि आप मुझे वापस बुलाएंगे जरूर। ये क्या है? ये तो BMW कार की चाबी है। कार कहाँ है? किसकी कार? ये तेरे कार की चाबी नहीं है क्या? नो 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 नो, आई एम अ फ्री बर्ड मैन यू नो। ये चाबी रोड पे पड़ी हुई थी तो मैं उठा के लेके चला। बाय द वे आपके फोन से एक कॉल करूँ? क्यों मार खाना है क्या? चीची अमिताभ बच्चन को कॉल करके उनका टाइम लेना था मुझे। तुझे किस चीज से मारूं? अमिताभ बच्चन चाहिए? अमिताभ बच्चन तुझे? हाँ हमारे राज्य में इतने बड़े बड़े एक्टर, तुझे अमिताभ बच्चन चाहिए? अरे रुक तेरी तो, पता नहीं कहाँ से लेकर कैसे चले आए और मुझे ही मेरी दुकान पर डांट रहे। रास्कल जल्दी उठाकर डालो, इतना टेंशन दे दिया मुझे। उठो मत बेटी, बैठी रहो। दीदी बैठो। बहुत दर्द हो रहा है क्या? जो हुआ उसे सपना समझकर भूल जाओ और जाकर काम पर लग जाओ। नहीं भाई हम लोग गांव चले जाएंगे। क्या कह रहा है तू यार? है ना मतलब बेइज्जती लग रही है। वहां जाकर क्या करेगा भाई? यहाँ पर हमारे जैसे छोटे लोगों को सब सहन करना पड़ता है भाई। यहाँ आकर मैंने कितनी बदनामी झेली है, अगर तुम्हें बताऊंगा तो इंस्पेक्टर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे। तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगेगा, सबको लगेगा, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों? डर नहीं, जिम्मेदारी। तुम्हें अपने दीदी की फिक्र है और मुझे अपने बीबी बच्चों की। मुझे बस इतना कहना है कि तुम्हें जाना है या नहीं जाना है तुम्हारा फैसला है। मुझे पूछोगे तो एक भाई समझकर मैं तुम्हें जाने को कहूंगा। अगर तुम्हें जाना ही है तो उस स्कूल के फंक्शन में शामिल हो जाओ। भंगार चुनने वाले लड़कों के बारे में गलत सोचने वालों के सामने तो सीना तान का सीढ़ी पर चढ़कर बोलेगा। तेरे मुंह से निकले एक एक ईमानदारी के शब्द वहाँ बैठे हजारों लोगों की तालियों में गूंजेगी। हमारे जैसे ईमानदार भी यहाँ रहते, ये बात उन्हें पता चलनी चाहिए। ये बात तुझे उन्हें समझानी होगी। आज के इस पुरस्कार समारोह में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। हम सबके बीच पुरस्कार वितरण करने के लिए SI देव कुमार जी यहाँ पधारे हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो दो शब्द कहे। मैं आता हूँ। ये यहाँ आइए आइए। मुझे इंग्लिश में बात करना नहीं आता है भाई। कोई बात नहीं, तुम हिंदी में बोलो, यहाँ सब लोग हिंदी जानते हैं। आओ जो दिल में है सब बोल डालो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सबको मेरा नमस्ते। मुझे इंग्लिश तो नहीं आती है, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? हमें समझ में आती है। मैं इस मंच पर आने के लायक बना प्रिंसिपल लेखा मैडम की वजह से।
पंचायत के जो मुखिया हैं और मेरे बड़े भाई शिव नारायण जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं भी आप जैसा ही एक लड़का हूँ। गांव में पढ़ने की सहूलियत नहीं है, इसलिए यहाँ आकर भंगार की दुकान में काम कर रहा हूँ। मुझे जो मिले थे वो जेवर करीब 1 लाख के ऊपर के ही होंगे, ऐसा मुझे बताया गया था। मैं चाहता था उसे बेचकर दीदी के कान का इलाज करवा लूं। फिर मैंने सोचकर देखा कि दीदी के ऑपरेशन का पैसा मेरे पास कहां से आया। अगर ये सवाल कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? कोई सोचेगा कि किसी दूसरे की चीज बेचकर मैंने उन पैसों से अपनी दीदी के कान का ऑपरेशन कराया, और अगर वो ठीक हो जाती तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन मैंने जो किया उसके लिए बहुत परेशान होती। मैं अपनी दीदी के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने जो किया वो सोचकर वो बहुत ही नाराज होगी, इसलिए मैंने एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचा, और मुझे जो मिला वो मैंने लौटा दिया। मैं अपनी दीदी को बुला सकता हूँ? बुलाइए बुलाइए बुलाइए, इसके लिए वो भी एक सबूत है। दीदी आओ, दीदी आओ ना, जाना बेटी। स्कूल के स्टूडेंट होकर आप लोग भी कोई गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिए तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह अगर इन इंस्पेक्टर साहब ने सोचा होता तो मुझे और मेरी दीदी को पुलिस स्टेशन ले जाकर जो गलती हमने नहीं की उसके लिए उतना नहीं मारते। मेरी दीदी को कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता, लेकिन यहाँ दिन निकालने हैं ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? सुना है कि इंस्पेक्टर साहब के हाथों हमें पुरस्कार मिलने वाला है, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। ये मैं इनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमें भी शर्म और हया है, हम भी तो इंसान हैं, इसलिए ये पुरस्कार हम लेखा मैडम के हाथों लेना पसंद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। की रात उस लड़के की आखिरी रात होगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी। कांटे को कांटे से निकालना पड़ेगा, और आप तो जानते ही मैं बहुत खतरनाक हूँ। आप परेशान मत हो, अगर आप कहो तो मैं खुद काम खत्म करके आ जाऊँ। सोलर कार? पेपर लोगे क्या? हाँ लूंगा ना सर। तेरा नाम क्या है? गिरीश। डिक्की में पेपर की गड्डी है, ठीक है सर। ए, सर के गाड़ी में पेपर का गड्डी है, वो लेके आ जा। सर, सर, सर मुझे काम है, इसलिए मैं इसको भेज रहा हूँ। अरे काम रहने दे, तू जा लेके आ, जा। ये क्या है बे, लेडी की आवाज आ रही है? वजन करने वाली मशीन से। इस मशीन से आ रही है? ये वजन की मशीन है कि कुछ और है? कितने में लिया? ये नहीं सर, इसे बनाया है सर। बनाया है? हाँ, किसने बनाया? वो देखिए ना, वो है सर। इसने? हाँ। इधर आ। हाँ? अरे उसे छोड़, इधर आ। पेपर नहीं निकालू क्या सर? वो बाद में करना, पहले इधर आ। हाँ? वो नहीं निकालना है क्या? अरे वो बाद में लाना, इसे तुमने बनाया है। हाँ सर। है? सर बोलने का नहीं है। हाँ ठीक है सर, भाई करके बोलने का। ठीक है भाई। अच्छा ये कितने पैसे में बेचेगा? दाम तो पता नहीं, ऐसी बना दूंगा। अरे तुझे कितना चाहिए बोल ना। तो 500 रुपए मिले तो। 500 क्या, 2000 ले ले। रख ले रख ले, तेरे लिए। इसे उठा के मेरे कार में रख दे, ठीक है? गुड बॉय। ठीक है। Ha 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 ha!
अरे जाकर आकर कुछ तो लेकर आएगा, अरे मशीन तो लेकर आएगा, अरे जाकर लेकर भाई वो पेपर डिक्की में, वो तुझे नहीं देना, जा। अरे आज का दिन तो बन गया, आज बड़ा मजा आया। ए, उसे क्यों दे दिया? कोई बात नहीं दीदी, उसे ले जाने दो, हम दूसरा बना लेंगे। तेरी बनाई चीज है, तेरी मर्जी। बेटा तू मेरे पीने के लिए लेकर आया, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, तू अपने गांव का लड़का इसलिए तुझे बता रहा हूँ। दिव्या मेरी बेटी है और उसकी माँ मर चुकी है, बहुत प्यारी थी, एकदम खरा सोना। उसके मरने के बाद मैंने ये दूसरी शादी की, जिंदगी बर्बाद कर दी। दो तीन बार उसने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया, उस दिन तुमने उससे पैसे मांगे थे ना, मैंने उसे पैसे देकर तुम्हारे पास भेजा था। उसके बाद उसने तुम्हारे बारे में मुझे पूरी बात बताई, तभी तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था। अभी दिव्या कहाँ पर है? उस इंस्पेक्टर के घर में है। इंस्पेक्टर के घर में? हाँ, मेरी दूसरी बीवी ने उस इंस्पेक्टर से कर्ज लिया था, तो वो लड़की को उसके पास ले गई ये बोल के कि तुझे उससे संबंध बनाने होंगे। उसे काम करने के बहाने वहाँ भेज दिया। जब मेरी बेटी को पूरी बात समझ में आई तो उसने घर आके मेरी बीवी को खूब चप्पलों से मारा। उस दिन मैं बिना शराब पिए बहुत आराम से सोया था। बेटा मैं शराबी हो सकता हूँ, लेकिन मैं एक बाप भी तो हूँ, मेरे दिल में कितना दर्द हुआ होगा। और उस औरत की हद तो देखो, पुलिस स्टेशन तक चली गई वो। उसने इंस्पेक्टर को बुला के मेरी बेटी के ऊपर पूछताछ के बहाने दूसरा केस बना दिया ताकि उसके घर जाना ही पड़े। और फिर मेरी बेटी भाग गई, जहाँ मेरे अच्छे से रहे, कहीं बदनामी तो नहीं झेलनी पड़ेगी। क्या बात है, दिखी नहीं रही है। सुनो जरा पानी लेकर आओ। एक काम नहीं करते, बस बैठकर रोटियां तोड़ते हो। जब बाप ही ऐसा होगा तो बेटी भी तो ऐसी ही होगी ना। मेरा ही नसीब खराब है, पता नहीं ऐसी औलाद को क्यों जन्म दिया मैंने, ऊपर से उसका बाप, दोनों मेरी जान खा रहे हैं। वो चार्ज खत्म हो गया था। 30 दिनों से तुम्हारे साथ एक लड़की घूम रही है, कौन है वो लड़की? साथ में घूमती है। अब ज्यादा ड्रामा मत करो, तुम उस दिन उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए थे ना, वही। अब बताओ। ए, वो मेरी दीदी है। दीदी है क्या? यहाँ तुम्हारे साथ रहती है? हाँ, तो और क्या। मैं बस अभी आती हूँ मैडम। हे दिव्या, तुम्हारा फोन नंबर तो देकर जाओ। अरे नया नंबर मैं खुद ही भूल गई हूँ। अच्छा तुम खुद ही डायल कर लो, मुझे देर हो रही है। हाँ ये लो। ए, इसके बाद कब मिलेंगे बताओ ना। अरे क्या हुआ? बताता हूँ ना, तुम बैठो साइकिल पर बैठो जल्दी।
कहाँ लेकर जा रहा है? अरे बताता हूँ दीदी। डांसर ऑफ द डे, एज लिमिट 10 to 20, संगम ऑडिटोरियम ओट्टापालम। नीचे देखो। हाँ, फर्स्ट प्राइज 1,00,000 रुपए। तो इसमें पार्टिसिपेट करेगा क्या? तुम बोलो दीदी, मैं इसमें शामिल हो जाऊं क्या? मैं इस कंपटीशन में शामिल होकर फर्स्ट प्राइज लेकर दीदी के कानों का इलाज करवाऊंगा। ए, कितनी बार समझा रहा हूँ, समझता क्यों नहीं है? नहीं भाई, मुझसे हो जाएगा। आप बस एंट्री फीस 5,000 रुपए दे दीजिए, बाकी पैसा मैं खर्च कर लूंगा। तू बार बार यही कहता रहता है, ये जो डांस कॉम्पिटिशन है ना, ये बड़े बड़े पैसे वालों के लिए ही है। तू कैसे जाएगा वहाँ? मेरी बात मान, तुम जो 5,000 भरोगे, हार जाने के बाद वो नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर काम करो। भाई प्लीज भाई। जाना। हाँ बोलो भास्कर भाई। हाँ, लोड सब भेज दिया है, लेकिन वो बिल नहीं भेजा तुमने। उसे बोलिए पैसा भेजने के लिए। अब कब तक वेट करेंगे? लोड भेजकर बहुत दिन हो गया है। ठीक है, 30 तारीख को भेज दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, भेज दूंगा। हाँ ठीक है। सुनाई नहीं देता तो इन बालियों का क्या करूं? माँ, तू डांस की तैयारी कर, जा। जाना। ये झुमके दीदी को माँ ने दिए थे। आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो इसे रखकर मुझे पैसे दे दीजिए। ए, पहले सोठा अपनी दीदी को दे। तुझे 5,000 रुपए चाहिए ना? ले, ये भी ले, जा कर दे। थैंक्स भाई। हॉर्न मार रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? भाई इसको सुनाई नहीं देता। कान सुनाई नहीं देता? नहीं भाई, ओ, 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 नहीं। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू भैया। चलो दीदी। ए, स्टॉप 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 स्टॉप, वन स्टेप बैक। वाओ, आहा, हेय ओल्ड बेबी, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। इस ओल्ड मॉडल को मैंने पहले कहीं देखा है। वेरी नाइस ड्रीम,
इस दुकान को भी मैंने देखा है। ये दरियाई घोड़े काला चश्मा कब से लगाने लग गए? अरे बाप रे। hey, तो फिर से यहाँ आ गया कमीने? हेलो, माइंड योर वर्ड्स। मैं चाची के लिए कहानी बना रहा हूँ। क्या कहानी बना रहे हो फिर से? शट अप, यू नो हाउ टू बिहेव अ क्रिएटर? नो, तुझे इंग्लिश आती है कि नहीं? ये भी पता है क्या इसको? अब हेलो, मैंने एक कहानी बनाई। ठीक है, मैं भी बिना काम क्यों, तू कहानी सुना, मैं सुनता हूँ। तो कहानी ऐसी है कि एक माँ अपने जन्मे बच्चे को ट्रेन में छोड़ के चली जाती है। अब आप कहानी जरा गौर से सुनना। 40 साल के बाद वो बच्चे को ढूंढते हुए वापस आती है। तुझे रोना नहीं आ रहा है? अच्छा, मैंने ये कहानी कहीं सुनी है लगता है। ये भी जानता ही है? अरे पागल कहीं के, ये कहानी तो हमारे सुपरस्टार के फिल्म की है। सही कहा माँ, तो मुझे फिल्मों की कहानी सुना रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे कहाँ गई, कहाँ चली गई? ए, क्या ढूंढ रहा है तू? अरे मर्सिडीज की चाबी। फिर से नौटंकी शुरू की क्या? ये देखो, जरा पीछे घूम के देखो। बोलिए अमिताभ भाई, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक है ना? बात कर लीजिए, मैं तो आपका छोटा भाई। अच्छा, तो खुद छोटा भाई बोल के बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था? जिससे छोटा भाई बन के बात कर रहा था वो अमिताभ बच्चन थे। भाई चाय। थैंक यू। अभी भी नहीं? कभी नहीं। क्यों? तू जब हमारे राज के ऊपर फिल्म बनाएगा ना, तब तुझे चाय दूंगा। हाँ रजनी जी बोलिए। आप किससे बात कर रहे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रजनी भाई तमिल में बात करते हैं। <जासकल। laughs> धन्यवाद। मैं भी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। गिरीश, तेरी दीदी ने फोन किया था। मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फौरन जाना पड़ेगा, तू ठीक से दुकान को संभाल लेना। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, कल तेरा कॉम्पिटिशन है ना? हाँ भाई। तू जरूर जीतेगा, ठीक है ना? थैंक्स। तू अपनी दीदी का ख्याल रखना। मैं जाकर आता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है, ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही। कंपटीशन की टेंशन हो रही है? तो जीत जाएगा रे, चल चल कर सो जा, 2 बज गए हैं, चल चल। ए चलो आ जाओ। चलो। हाँ दे। दीदी कहाँ चली? आ जाओ दीदी, आराम से। ये रहा तुम्हारा टाइम, रूम नंबर 3, नीलाब हाउस। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। नाम क्या है? गिरीश। हाँ गिरीश, गिरीश सर। गिरीश, रूम नंबर 6। 5 बजे का समय, रूम नंबर 6 में जाके वेट करो। कौन सी जगह सर? क्या तुम बाहर से आए हो? जी हाँ सर, रेलवे स्टेशन के बगल में नीलाब हाउस में। हाँ ठीक है सर। पे है ना? अभी 2 बज रहे हैं, प्रैक्टिस करके मेकअप करते करते टाइम हो जाएगा यार, चलो चलते हैं। Follow me. Yes, yes, sir. Yes, come on. Oh yeah, oh yeah. Hey, time हो रहा है, जाकर मेकअप कर। हाँ ठीक है। ये ठीक है ना दीदी? उस तरफ। इस तरफ क्या? हाँ ले। एक मिनट ना। हेलो, आ,
Second prize goes to Namit Baburaj. We are waiting for the first prize. Any guesses? Come on. The first prize goes to Abhijay Kumar. Give him a big round of applause. आपने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया सर? क्या बेवकूफ बनाया? क्या बोल रहा है तू? आपने मुझे गलत टाइम दिया, 4:10 की जगह 5:10 क्यों बताया? 5:10 का टाइम नहीं, 4:10 का टाइम बताया था। चल जा। आप ही देखिए सर। अरे चल जा। एक मिनट मैं देखता हूँ। क्या बात है, प्रॉब्लम क्या सर? ये जबरदस्ती प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। 4:10 का टाइम दिया था और ये 5:10 पे आएगा तो मैं क्या करूँ, बैठा रहूंगा क्या? नहीं सर, ये बेवकूफ बना रहा है, आप ही पूछ लीजिए। जाना। नहीं सर, आप पूछिए। नहीं सर, नहीं मैं नहीं जाऊंगा सर यहाँ से। यहाँ से नहीं सर, यहाँ से। गिरीश क्या हुआ? इन लोगों ने प्लान करके धोखा दिया है, तू चिंता मत कर। चल यार। आप चाहे तो हो सकता है सर, आप मुझे बस एक चांस दिलवा दीजिए, मैं जीत जाऊंगा सर। ओ मेरे ढोलना, आज मैं मशीन बना के अमीर बन गया और मेरा जीवन सफल हो गया। सर, आप हो क्या? ए,
भाई बुला रहा भाई भाई मेरे हाथ में क्या है देखो जरा ये वही मशीन है जो तुमने बनाया था इसे थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने एग्जीबिशन में लगा दिया बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है चप्पड़ फाड़ के पैसे कमाए ये ले तू भी थोड़ा रख ले कमान कमान हाँ ना यार 2 लाख है पूरे अरे क्या भाई मुझे क्यों दे रहे हो ये पैसे शिव भैया को दे दो यही तो है मेरे सब कुछ ले लेना मेरे हाथ से ले लो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आप जैसा इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है सर नो मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ मैं बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं हूँ लेकिन मैं कभी किसी का हक नहीं मारता हूँ समझ गए ना समझना ही पड़ेगा जब गाय को दूना होता है तो पहले बछड़े को छोड़ना पड़ता है ना वैसे ही ये मेरा स्टाइल है ओके चलता हूँ मैं डोलना डोलना नहीं तू रख ले भाई मेरा दिल खुशी से भर गया इधर आ वो जो कार दिख रही ना अब से तुम्हारी अरे रख लो बहुत पैसे दूसरी खरीद लूंगा दीदी बहुत भूख लगी है खाना खाने आओ ना अरे रुक जा आती हूँ जब मेरे कान ठीक थे तब मैं ये गाना सुनती थी अभी टीवी पे आ रहा है मैं इसे देख कर ही आऊंगी हाँ 2 मिनट रुक जा जरा ठीक है दीदी आराम से देख कर आना अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे मामा जी से आशीर्वाद हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बस खड़ी हो जा ए, कितनी प्यारी बच्ची है ये बहुत तकदीर वाला है तो प्यार से रखना इसे तुलसी मामा जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बेटी तू कैसी है आ जा, मैं आ भी अच्छी हूँ ठीक तो है ना मामा जी आप ऐसे अचानक क्यों आ गए अगर पहले बता देते तो मैं गाड़ी लेकर आ जाता आपको मिस्टर बच्चन इधर आओ आ जाओ छोटे मेरी गाड़ी का ब्रेक ठीक करके देना क्या हुआ तुझे स्केटिंग करते समय थोड़ी सी चोट आ गई रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा ऐसा डॉक्टर ने कहा है नो प्रॉब्लम अब प्लीज ये पजल सॉल्व करके दो प्लीज 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 भैया प्लीज प्लीज ये ब्लू जो होता है ना ये इसको ऐसे करना है और फिर ये यहाँ पर ये सब हो गया थैंक यू भैया ये येलो है ना ये यहाँ पर आएगा ये समझ गया चल अब तू करके बता उसके पैर सही होने में 3 महीने लग सकते हैं 3 साल भी लग सकते हैं कुछ नहीं कह सकते ये सब ऊपर वाले के हाथ में है इसके पैरों में बहुत तकलीफ है देखकर मुझे दर्द होता है इस साल जो डांस कंपटीशन होगा उसमें तुम जरूर शामिल होना पैसे मैं भरूंगा नहीं सर अगले साल मैं नाचूंगा आपके बेटे के साथ तू जरूर जीतेगा डैड आई फिनिश्ड